पागबड़ा में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पागबड़ा में चोरों ने धार्मिक स्थलों को भी अपना निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पूर्व पागबड़ा के कैलसा रोड कब्रिस्तान वाली मस्जिद में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद चोरों का निशाना सेंट क्लिफ चर्च बन गया। चोरों ने चर्च के घंटे के साथ साथ चांदी के बर्तन, ईसा मसीह का क्रॉस और अन्य सामान भी चोरी करते हुए वारदात को अंजाम दिया है। चर्च के पादरी द्वारा बताया गया कि वह शुक्रवार की विशेष पूजा के बाद चर्च बंद करके चले गए थे। उसके बाद जब अगले दिन आकर देखा तो चर्च का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। दरवाजे के बाहर समरसेबल गायब था और जब अंदर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। चर्च में तोड़फोड़ करने के साथ साथ चोरों ने चर्च के कीमती सामान, जिसमें मसीही समाज का क्रॉस, पीतल का घंटा और चांदी के बर्तन भी गायब कर डाले। चोर चर्च के पंखे भी चुरा कर ले गए थे, लेकिन पंखों को उनके द्वारा बाहर जंगल में फेंक दिया गया। चर्च के पादरी का कहना है कि पागबड़ा में हमारे मसीही समाज की बहुत मुख्तसर सी संख्या है, लेकिन हमारे धर्म स्थल पर इस तरह की वारदात ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। जिस तरह से धार्मिक स्थल में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है, उसको देखकर लगता है कि चोर स्थानीय हैं और बड़े सुकून के साथ उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। धर्म स्थल में चोरी की वारदात से हर कोई हैरान है और पुलिस की तरफ उम्मीद की नजर से देख रहा है कि पुलिस जल्द ही इस वारदात का खुलासा करेगी और चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। जिस तरह से चोरी की वारदातें पागबड़ा में हो रही हैं, वे अपने आप में हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि आसपास सीसीटीवी फुटेज लगे हैं और चोर ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जबकि पुलिस इस ओर अनजान बनी हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि पागबड़ा पुलिस प्रशासन इस ओर कदम उठाएगा। ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन पागबड़ा में हर रोज हो रही चोरी की वारदातें पागबड़ा की जनता को बेचैन कर रही हुई हैं। हमारे संवाददाता ने जब इस बाबत 100 साल पुराने चर्च के पादरी से बात की, तब उन्होंने बताया, यहाँ पर ईस्टर वाली ईस्टर की रात में, ईस्टर सुबह को सर्विस हुई है, ईस्टर के बाद 17 तारीख की सुबह को यहाँ सर्विस हुई है, उसके बाद बंद करके हम चले गए। उस रात में जो है फिर यहाँ पर चोरी हुई है और ये मेन दरवाजा। कितना सामान, क्या क्या सामान गया है, आपने जब आके यहाँ देखा तो क्या क्या सामान गायब था? लगभग 25-30 किलो के करीब पीतल का सामान था, जिसमें कैंडल स्टैंड, फ्लावर पॉट ये सब थे, और करीब 3 किलो के लगभग चांदी का सामान था, प्याले थे उसमें 4 प्याले और प्लेटें वगैरह थी, ये सब सामान जो है चोरी हो गया। उसके अलावा चर्च के बाहर जो लगा हुआ समरसेबल है, उसके पूरी मोटर निकाल के ले गए, और यहाँ पर इन्वर्टर रखा हुआ था, इन्वर्टर के दोनों बैटरी ले गए निकाल के और इन्वर्टर को तोड़ गए। उधर म्यूजिक सिस्टम था, एम्पलीफायर वगैरह आउजा का, उसको भी तोड़ दिया उन्होंने, ख़राब कर दिया। वो ले नहीं गए हैं, तो वो बंदावा रखा था यहीं अंदर, उसको ले जाने वाले होंगे शायद, लेकिन ले जा नहीं पाए, वो बंदावा रखा था। अच्छा, कभी पहले भी इस तरह की चोरी घटना हुई है? नहीं, ये हमारे यहाँ कभी नहीं हुई। जब आपके द्वारा थाना पागबड़ा में शिकायत की गई तो क्या जवाब मिला आपको? वहाँ से पुलिस आई, जांच की, यहाँ पर उन्होंने सब कुछ देखा वगैरह सामान, फिर फॉरेंसिक जांच वालों को बुलाया उन्होंने, वो सब यहाँ से फिंगरप्रिंट वगैरह लेके गए, लेकिन और जवाब कोई नहीं मिला। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम तो सब यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारी जितनी ये क्षति हुई है, ये किसी सूरत से पूरी हो। अच्छा, मसीही समाज के कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पर करीब 7 फैमिली रहते हैं। सरकार से क्या मांग रहेगी आपकी? सरकार से यही मांग है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो और हमारी ये क्षति पूर्ति कर दी जाए। जैसे त्योहारी सीजन आता है तो क्या नगर पंचायत का रोल रहता है सफाई वफाई कराने में इधर? हाँ, अगर उनको फोन करते हैं तब आ जाते हैं, इस बार वो भी नहीं आए। सुरक्षा को लेकर के क्या कहेंगे आप? सुरक्षा को लेकर जब कोई त्यौहार होता है, चर्च सर्विस का टाइम होता है, तो थाने से पुलिस आती है।